तुलसी नाम का पौधा जो हमने 1995 में लगाया था और आज तक के जो रिजल्ट्स रहे वो आपको पता है, जिस प्रकार से सारे इलाके को, जिस महेंद्रगढ़ को बैकवर्ड करते थे और उस महेंद्रगढ़ को आज अगर देश में, प्रदेश में एजुकेशन के नाम से जाना गया तो वो यदुवंशी की देन है। और आज जिस प्रकार के इस साल रिजल्ट्स आए वो तो अब की बार बड़ा बेहतर रिजल्ट आए, बल्कि आपके अपने यहाँ भी हमारे पास में मैट्रिक और प्लस टू थी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें अपने आप में कहीं कहीं मोटिवेट कर करके बच्चे देने का काम किया, बल्कि हमने उन बच्चों का एडमिशन महेंद्रगढ़ में रखने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के टीचरों ने प्रयास किया, उनको टाइम टाइम पर जिस प्रकार से मोटिवेट करने का काम किया, ट्यूशन बतौर ट्यूशन के पढ़ाने का काम किया, उसको लेकर के मैं मेरे पूरे ग्रुप की बात करूं, वहां तो आज भी प्रदेश में हम नंबर वन पर हैं। अगर मैं देश में बात करूं तो पहले हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार जो है ना, हमें इंडिया नंबर जो लिखते हैं यदुवंशी इंडिया नंबर वन, वो हमने अब की बार रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। चाहे प्लस टू का रिजल्ट था, बल्कि पूरे देश में CBSE का रिजल्ट 85% रहा, लेकिन हमने पूरा का पूरा 100% रिजल्ट बढ़ाने का काम किया। एक भी बच्चे के हमारे के कोई री नहीं, एक भी बच्चा फेल नहीं है, और बल्कि मेरिट में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। 95% से ऊपर भी हमने तकरीबन 20% बच्चे देने का काम किया। इस प्रकार का रिजल्ट मैंने कभी देखा नहीं। अब की बार जो हमने देने का काम किया, दो दिन बाद में जिस प्रकार का रिजल्ट से आपके बीच में मैट्रिक का आया, उसमें बल्कि कई बच्चों ने तो चाहे साइंस की बात करूं, चाहे मैथ की बात करूं, और चाहे आपके बीच में इंग्लिश की बात करूं, 100 में से 100% नंबर लेकर के एक पूरा CBSE का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। इसको लेकर के आज नहीं, जब से रिजल्ट आया उससे लेकर के आज तक मेरे पास में जिस प्रकार से आज आप जो इस देश के और प्रदेश के सितंभ लोग हैं, मैं पत्रकारों को मानता हूं कलम के धनी, और पत्रकार अपनी बात को सही पहुंचा करके मेरा जिस प्रकार से हर आदमी ने अब की बार आकर के कहीं सम्मान बढ़ाने का काम किया, वो मुझे भी इस बात की खसक थी। मैंने कहा हांसी के लोगों से, भिवानी के लोगों से और जींद के मेरे उस सितम लोगों से मिलूं, ताकि इस आने वाले टाइम में अब की बार हमें यहाँ मैट्रिक के प्लस टू का हमें CBSE की परमिशन मिली है, उसको लेकर के मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हमने महेंद्रगढ़ में, चाहे जिस महेंद्रगढ़ में सिपाही लगते थे, पुलिस में लगते थे या आर्मी में लगते थे, और उस महेंद्रगढ़ में हमने आज कोई बात करते हैं तो हम कोई बाबू कलरक की बात नहीं करते, या तो आज IAS की बात करते हैं, IPS की बात करते हैं, HCS की बात करते हैं। अब की बार भी हमने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, इस देश की सबसे बड़ी अगर सर्विस में जाने का काम किया, आज IAS भी अब की बार हमने 5 बच्चे निकालने का काम किया, अब की बार 3 बच्चे HCS में निकालने का काम किया, इसी प्रकार से हमने 13 बच्चे अब की बार NDA में देने का काम किया। मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग और समर्थन रहा तो आने वाले 2 साल के बाद में मैं इस हांसी में, हिसार में, जींद में वही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ को आज एजुकेशन का हब बनाने का काम किया, जिस महेंद्रगढ़ को काला पानी का करके अपने आप में अधिकारी चले जाते थे, अच्छे व्यापारी नहीं जाते थे, और अपने बच्चों को कोई पढ़ाना चाहता था या तो कहीं ना कहीं पिलानी जाता था या आपके हरियाणा प्रदेश में सोनीपत जाता था, लेकिन मैंने उल्ट कर करके दिखाने का काम किया। जब से हमने यदुवंशी नाम का पौधा लगाया उसके बाद में हमने अपने प्रदेश के नहीं, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे UP की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, हमने उल्टा अब तो हमने उल्टा उन लोगों को यहाँ ला करके और अच्छी एजुकेशन देने का काम किया, तो अब की बार तो रिजल्ट बड़ा बेहतर रहा है। इसलिए मैं आज ये खुशी बांटने के लिए आज आपके बीच में आया। से लॉकडाउन लगा उसको लेकर के इस बात में कोई दया नहीं, जिस प्रकार से हमने, वैसे तो जिस प्रकार से हम मैट्रिक की बात करें, प्लस टू की नई क्लासें हमने जनवरी से चालू कर दी थी,
तकरीबन हम अपना सिलेबस दोनों क्लासों का पूरा कर चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से और क्लासें थी उनको भी लेकर के हमने ऑनलाइन, आज ऑनलाइन जिस प्रकार से हमारे टीचर्स काम करवा रहे हैं उसका रिजल्ट्स भी मिला है। और मैं समझता हूं कि वो बात तो नहीं है जो हम ऑफलाइन बात करते थे, लेकिन ऑनलाइन फिर भी कुछ न कुछ बच्चे इससे सीखने को ज़रूर मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहूं कि ऑफलाइन जो काम हो रहा था उसके मुताबिक काम हो रहा है, मैं इस बात से मैं खुद भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि कहीं न कहीं ऑनलाइन जो काम होता है आज बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, बाकी बच्चों के पास में मोबाइल चला जाता है, तो ये उम्र ऐसी होती है जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं। तो मैं इसे ऑनलाइन से ज़्यादा मैं खुश भी नहीं हूँ, और अपने आप में मैं समझता हूँ कि जल्दी सरकार को एक फैसला लेना चाहिए जिस प्रकार से लॉकडाउन तोड़ करके और अपने आप में आज बाज़ार खोलने का काम किया, ऑफिस खोलने का काम किया, उसी प्रकार से ये अगस्त में और नहीं तो 8वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोलने चाहिए। जिस क्लास में 30 बच्चे बैठते उनमें 15 बच्चों का बैठा करके अलग से उनको एजुकेशन देने का काम करते हैं। सरकार ने फीस पर बैन लगा दिया, ट्यूशन फी ले सकते हैं आप, क्या स्कूल फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं क्या? जहाँ तक सरकार की बात, मेरे ख्याल में सरकार ने तो ये कहा कि आप ट्यूशन फीस लेने का काम करें, आप अपनी ट्यूशन फीस ले सकते हैं। उस सरकार ने, चाहे हाई कोर्ट की बात करें, सभी ने एक ही बात कही कि आप आज तो ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उसके बाद में आप अपनी एनुअल फीस और फंड वो ले सकते हो। लेकिन मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने तो बल्कि इलाके की एक इस तकलीफ़ को समझते हुए, और जिस प्रकार से मेरी अपना, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, राजनीति के साथ साथ बिजनेसमैन भी हूँ, मैंने उस बात को समझते हुए, क्योंकि मेरे महेंद्रगढ़ के लोग आज कंपनियों में काम करते हैं और कंपनियों से मेरे मुताबिक आज सब मुलाजमों को निकालने का काम किया, मैंने तो बल्कि हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले यदुवंशी पूरे हमारे ग्रुप का मैंने आपके अप्रैल मई की फीस और गाड़ियों का किराया अपने आप में ही माफ़ करने का काम किया। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं स्कूलों में बड़ा भारी नुकसान है, और जहां तक बात हमने आज फीस तनख्वाह की बात करते हैं, हमने फीस ली नहीं, बल्कि अपने टीचर को मैं ये तो नहीं कह सकता पूरी तौर पर 100% फीस देने का काम किया, कहीं हमने 50% डालने का काम किया, कहीं 40%, हर टीचर को हमने अपने आप में सैलरी देने का काम किया है। और स्कूलों की अगर बात करता हूँ, हरियाणा प्रदेश में भी फैक्ट्रियों की तरह आज 90% टीचर आज कहीं न कहीं रिलीव करने का काम किया, लेकिन मेरे पूरे ग्रुप में आपको कहीं भी ये दिखाई नहीं देगा, चाहे बेशक आज ट्यूशन फीस भी नहीं आई, लेकिन एक भी टीचर को मैंने कहा हम एक रोटी मिलेगी तो सारा बांट करके खाने का काम करेंगे, एक भी टीचर को रिलीव करने का काम नहीं किया, ये मेरी अपनी सोच। तनख्वाहें पूरी नहीं, अभी 50%, और आने वाले टाइम में मैंने उनको विश्वास दिलाया अगर ऐसा ही रहा और हम अपने आप में इन बच्चों को लाने में अगर सक्षम रहे और लॉकडाउन अगर खुला तो ये आपकी बाकी तनख्वाहें भी देने का काम करेंगे, नहीं तो अपने पास में जितना आया उतना हम बांट करके सारा अपने भाई बैठ करके इसको बांट करके खाने का काम। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।